हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रिशास किचन। आज हम बनाएंगे तंदूरी रोटी। दिख रही है ना सिर्फ रेस्टोरेंट जैसी, और इसे मैंने बनाया है कुकर और तवे पे। तो आइए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। मैंने यहाँ पर लिया है ये 1/4 कप गुनगुना पानी। ज़्यादा गर्म पानी हमें नहीं लेना है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून चीनी। हम चीनी को इसमें थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ड्राई ईस्ट। इंस्टेंट ईस्ट है ये। अगर आपके पास ईस्ट ना हो तो आप इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एक्टिव होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, ये देख लीजिए हमारा ईस्ट एक्टिव हो चुका है। इसमें अच्छे से बबल्स आ गए हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसमें मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, साथ ही हम डालेंगे यहाँ पर 1/4 कप दही और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा यूज करके बना रहे हो तो आप डायरेक्टली आटे में वो दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हो। ये देखिए मैंने दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं डालूंगी ये हमारा ईस्ट वाला मिक्सचर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से गूंदना है ताकि इसमें एक भी गुठली ना रहे। ये देखिए इस तरीके से हमारा डो जो है वो रेडी हो चुका है। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे वापस 1 मिनट के लिए ऐसे ही मसल लेंगे। ये देख लीजिए हमारा डो जो है वो चिकना हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे 1.5 से 1 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे। ये देख लीजिए 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे के बाद हमारा जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से फूल गया है। अब हम इसे दोबारा से थोड़ा सा गूंद लेंगे। इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करके इसे थोड़ा सा मसल लेंगे। अब हम किचन प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा आटा डालेंगे और इसे रोल कर लेंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से हमें इसे रोल करना है और एक सिलेंडर टाइप इसका तैयार करना है। देखिए अब हम इसमें 2 हिस्से करेंगे। ये आटे से हमारी 6 रोटी बनेगी तो इसीलिए हम इसे इक्वली करने के लिए हम इस तरीके से उसे डिवाइड कर लेंगे और इसमें सेम हम 6 बॉल्स बना लेंगे। अब हम प्लेटफॉर्म पे थोड़ा आटा डस्ट करेंगे और इसकी एक रोटी बेल लेंगे। आप जो चाहे शेप में इसे कर सकते हो। इसे थोड़ा सा मोटा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है इसे। अब हम इसके ऊपर की तरफ जो है थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। ये मैं कुकर में बना रही हूँ तो मैंने कुकर यहाँ पर गरम करने के लिए रख दिया था। पानी लगा हुआ जो पोर्शन है वो मैंने नीचे करके इसमें इस तरीके से रख दिया है। इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही कुक करेंगे और जैसे ही इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो जाए, ये देखिए दिख रहा है आपको इसमें बबल्स आ रहे हैं, तो अब हम इसे उल्टा कर देंगे। उल्टा
हटा करके आपको बार बार इसे चेक करना होगा, आपकी रोटी कहाँ से सिकी है। ये देख लीजिए, ये देखिए हमारी रोटी अच्छे से सिक चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे और थोड़ा क्रंची होने के लिए इस तरीके से हम इसे गैस पर थोड़ा सा सेक लेंगे। वैसे तो ये हमारी रोटी बनकर तैयार है। ये देखिए दोनों तरफ से कितने अच्छे से कुक हो चुकी है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाती हूँ, सेम प्रोसेस से हमें रोटी बेलनी है। इसे भी ऊपर की तरफ हमें पानी लगा लेना है और अब ये हम तवे पे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लोखंड का तवा लिया है जो मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और जो पानी वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ करके इसमें रोटी को रख दिया है। आप इसके लिए नॉनस्टिक का तवा यूज़ ना करें, इसके लिए लोखंड या फिर एल्यूमिनियम का ही तवा यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसमें भी बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसे टर्न कर देंगे। और इसे इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से सिकेंगे। कभी कभी जो रोटी है वो आपके तवे में चिपकती नहीं है और उल्टा करने के बाद थोड़े देर के बाद वो नीचे गिर जाती है, तो वो टाइम पे आप घबराए नहीं, आप उसे चम्मच की मदद से गैस के ऊपर सेक सकते हो। ये देखिए हमारी तंदूरी रोटी बनकर तैयार है। ये कितने अच्छे से कुक हो गई है और काफ़ी क्रिस्पी भी बनी है। देखा कितना आसान है इसे घर पर बनाना। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।